नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महा इंद्रजाल में। दोस्तों, आज हम आपको लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो प्राचीन तो है ही, साथ ही अत्यंत लाभदायक भी हैं और बहुत जल्दी असर देने वाले भी हैं। दोस्तों, इन उपायों को करने के बाद निश्चित रूप से लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर होगी और आपके जीवन में धन धान्य बना रहेगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको ये उपाय बताएं, आपको कुछ जो बेसिक बातें हैं वो आपको बता देते हैं, क्योंकि ये बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में ही हमारे से गलतियां होती हैं, भूल चूक होती है, मिस्टेक्स होती हैं और उनका खामियाजा हमें अपने जीवन में भुगतना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखें, आपको पता होनी चाहिए कि लक्ष्मी माता बिना विष्णु जी की कृपा के प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि आप शायद जानते होंगे कि लक्ष्मी माता जी विष्णु जी के अर्धांगनी है और लक्ष्मी माता जी विष्णु जी के चरणों में विराजमान रहती है। इसलिए अगर आप केवल लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और आप विष्णु जी को नजरअंदाज करते हैं, तो आपको जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति भला कैसे हो सकती है। तो यदि आप अपने जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप अपने घर में लक्ष्मी और विष्णु जी की एक फोटो को अपने घर में आप अवश्य रखें। इससे आपके घर में सकारात्मकता आएगी। प्रत्येक शुक्रवार को आप लक्ष्मी और विष्णु जी के मंदिर में लाल रंग के फूल अर्पित करें। इससे लक्ष्मी विष्णु जी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होंगे और इससे भी आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। शालिग्राम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, प्रतिदिन आपको शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए और शालिग्राम का आपको पंचामृत से आपको जलाभिषेक करना चाहिए। इसके पश्चात आप एक बात का ध्यान और रखें, यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि लक्ष्मी माता की कृपा आपके घर में हो, तो आप लक्ष्मी माता का प्रतिदिन आप उनके आगे जोत जलाएं, लक्ष्मी माता के आगे, और यदि संभव हो सके तो आप कम से कम एक बार 11 दिन तक अखंड जोत जलाएं लक्ष्मी माता के आगे, और 11वें दिन जिस दिन ज्योत की समाप्ति होगी, उस दिन आप 11 कन्याओं को आप भोजन कराएं, जैसे कि अष्टमी में कराते हैं वैसे ही आप 11 कन्याओं को भोजन कराएं और उनको आप 1-1 रुपए का सिक्का भी आप अवश्य दें। इसके पश्चात आप एक प्रयोग और कर सकते हैं, ये सब सामान्य जानकारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसमें पानी भर लें और इस पानी से आप विष्णु जी का आप जलाभिषेक करें। इससे भी लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होंगी आपसे और आपके जीवन में चमत्कारी रूप से आपको धन धान्य देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जो कि बहुत ही प्रभावशाली हैं और इनको आपको जरूर आजमाना चाहिए। पहला प्रयोग है दोस्तों, ये प्रयोग एक ताले का प्रयोग है। दोस्तों, आपको करना क्या है, आप किसी भी शुक्रवार को बाजार से एक ताला खरीद कर ले आए। जो ताला आप जिस समय खरीदेंगे, आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो ताला आप खरीद कर लाएंगे वो बंद होना चाहिए। जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, ताला बंद होना चाहिए, खुलावा नहीं होना चाहिए। यानी आपको दुकान में से केवल उस ताले को चुनना है जो पहले से ही बंद हो। उस ताले को ना तो आपको खोलना है ना दुकानदार से खुलवाना है, और आपको ये भी नहीं देखना है कि वो ताला सही है या खराब है, सही तरीके से चाबी काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो वो ताला खुल जाएगा। तो ताला जैसा है चाबी सहित आप उस ताले को ले आइए और ये आप शुक्रवार वाले दिन आप ताले को लेकर आएंगे और रात को आप अपने कमरे में जहां पर भी आप सोते हैं, आप अपने टेबल के पास, अपने जो भी आपका पलंग है वहां पर आप रखकर सो जाइए। शनिवार के दिन आप सुबह सुबह उठें और सुबह उठने के पश्चात स्नान आदि करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, आप कुछ खाए पिए मत। आप अपने घर के आसपास, जो भी आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कोई भी ऐसी जगह हो जहां पर लोग आते हो, जहां पर गरीब भिखारी लोग आते हो, ऐसी जगह पर आप उस ताले को चुपचाप रख कर आ जाए। जब आप वापस आए तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आप पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें और चुपचाप बिना किसी से बात के घर पर आ जाए। दोस्तों, वो ताला जिसको भी मिलेगा और जो भी उस ताले को खोलेगा
उस ताले को खोलते ही आपकी किस्मत भी खुल जाएगी। दोस्तों ये प्रयोग बहुत ही अजमाया हुआ प्रयोग है, एक छोटा सा टोटका है, तो आप इसको अजमा कर देख लें। क्योंकि हम कई बार कहते हैं अपने वीडियो में, कुछ नहीं पता कौन सा टोटका कौन सा प्रयोग हमारी किस्मत बदलते हैं। तो छोटे छोटे प्रयोग है, इनको करने में हमारा कुछ नहीं जाता, लेकिन इनको करने से कभी कभी हमें लाभ जरूर मिल जाता है। दोस्तों अगला प्रयोग बता रहे हैं, पीली कोड़ी का प्रयोग है। पीली कोड़ी का प्रयोग पहले भी हम आपको बता चुके हैं। आप पीली कोड़ी ले आइए, 5 पीली कोड़ी आप ले लीजिए, और 5 पीली कोड़ी को एक पीले रंग के कपड़े में आपको बांध लेना है। शुक्रवार वाले दिन आपको प्रयोग करना है। साथ में आपको एक चांदी का सिक्का जिसमें कि लक्ष्मी और गणेश जी बने हुए हों चित्र के अनुसार, और साथ ही 2 से 3 हल्दी की गांठें साबुत आपको रख देनी है, और इस पीले कपड़े को आपको बांध देना है, और इसकी पोटली बनाकर आपको अपने तिजोरी में रख देनी है। ये प्रयोग आप शुक्रवार वाले दिन करें, और पोटली को रखते समय आप लक्ष्मी माता से प्रार्थना करें कि आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा प्रयोग माना जाता है, इससे भी आपके घर में धन धान्य हमेशा बना रहता है। दोस्तों अगली जो बात है वो ये है कि आप अपने जीवन में अपने मन में से जितनी भी नेगेटिविटी है उसको निकाल दें। आप कभी ये मत सोचें कि आप गरीब हैं। आप अपने आप को हमेशा अमीर माने, धनवान माने। जो भी चीज आप खरीदना चाहते हैं, जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, आप सोचें कि आप एक दिन जरूर बनेंगे, वो चीज आपको एक दिन जरूर मिलेगी, और अपने आप को आप अमीर बनना मानना शुरू कर दें। यदि आप अपने आप को दरिद्र मानेंगे, गरीब मानेंगे, तो आपके जीवन में गरीबी और दरिद्रता ही आएगी। इसलिए अपने आप को अमीर माने, अपने आप को संपन्न माने, और अपने आप को भाग्यशाली माने, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य आपका साथ जरूर देगा। दोस्तों अगली बात, अगला नियम जो हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही प्रचलित नियम है, प्रचलित ये प्रयोग है, अक्सर सब लोग जानते ही हैं। शनिवार वाले दिन आप काले कुत्ते को आप एक रोटी ले लें, उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दें, और उसमें गुड़ रखकर आप काले कुत्ते को आप खिला दें। आपके घर के आसपास अगर कोई काला कुत्ता है, या आपको थोड़ा दूर भी जाना पड़े, तो आप काले कुत्ते को आप ये रोटी जो है दे दें, तेल और गुड़ लगी हुई। उससे क्या होगा कि आपके ऊपर जितने भी शनि दोष होंगे, शनि ग्रह के दोष होंगे, वो शांत होंगे, और लक्ष्मी आने के जो मार्ग है वो आपके जीवन में खुलने लगेंगे। तो इस प्रयोग को भी आप जरूर करें। दोस्तों इसके बाद अगला प्रयोग है, आप प्रत्येक वीरवार को आपके घर के आसपास अगर कोई पीपल का पेड़ है, तो आप पीपल के पेड़ को जल जरूर चढ़ाएं। ये प्रयोग आपको प्रत्येक वीरवार को करना है। पीपल के पेड़ को आप जल चढ़ाएं, और साथ ही वीरवार वाले दिन आप चंदन का तिलक भी अपने माथे पर जरूर लगाएं। तो यह प्रयोग आप करें, यह भी बहुत ही अच्छा प्रयोग माना जाता है। और दोस्तों अंतिम प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि प्रत्येक शनिवार को आप पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही शाम के समय आपको ये प्रयोग करना है, संध्या के समय जिस समय सूर्यास्त हो जाता है, तो पीपल के पेड़ के नीचे आपको तेल का दिया जलाना है। साथ ही वहां पर आपको अगरबत्ती, धूप बत्ती, जो भी सुगंधित पदार्थ होता है वो आपको वहां पर जला देना है, ताकि उस स्थान पर खुशबू आ जाए, महक आ जाए। दोस्तों ये हमने आपको 7 प्रयोग बताए हैं। यदि इन 7 प्रयोगों में से कोई भी आप प्रयोग करते हैं, दोस्तों जितने भी प्रयोग हमने आपको बताए हैं या हम अपनी वीडियोज में बताते हैं, ऐसे प्रयोग बताते हैं जो बहुत ही सरल हो, जिनको आप आसानी से कर सके, जिनमें आपका पैसा भी खर्च ना हो, और जो आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य दे। दोस्तों जो ताले वाला प्रयोग हमने आपको बताया है, ये आपको लाल किताब में मिल जाएगा यदि आप ढूंढेंगे। बहुत ही प्रचलित प्रयोग है, लोग इस प्रयोग को जरूर करते हैं। आप ताला लाकर आप चौराहे पे भी फेंक सकते हैं, या किसी मंदिर पे भी रख सकते हैं, तो जब भी कोई उस व्यक्ति उस ताले को खोलेगा तो आपकी किस्मत खुल जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रयोग है, इस प्रयोग को तो आप एक बार जरूर आजमा कर देखें। यदि आपको पैसों की किल्लत है, या आपको लगता है कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आप इस प्रयोग को एक बार जरूर करें।
इसके अलावा इस वीडियो में हमने बाकी जो प्रयोग बताए हैं, जो भी आपको प्रयोग सुटेबल लगे, अच्छा लगे, आप जरूर करें। हम उम्मीद करेंगे कि इन प्रयोगों में से जो भी प्रयोग आप करें वो आपके लिए आपके जीवन में खुशियां लेकर आए और आपको उससे लाभ। आपने वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।